नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग। आपको एसएससी सीएचएसएल के लिए, सीएचएसएल 2021 के लिए आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, आपके ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, उसका वैलिड ईयर क्या होगा, फॉर्मेट कौन सा होना चाहिए और आपको किस अधिकारी के द्वारा, किस अथॉरिटी के द्वारा बनवा कर ले जाना है, इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा। यदि आपके मन में कोई और भी डाउट हो तो आप इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए यहाँ पे एक एक करके सारी चीज़ों को समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि जो आपका सर्टिफिकेट होगा उसके लिए क्रूशियल डेट है 7/3/2022, मतलब 7 मार्च 2022 के पहले का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद का होता है तो आपको वहाँ पर प्रोविजनल दे दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि यदि आपके पास समय है तो जितना जल्द हो सके अपना सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। देखिए, सर्टिफिकेट में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपका वैलिड ईयर और यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर, दो चीज़ों का आपको खास ख्याल रखना है। ठीक है, और जो आपका ये फॉर्मेट होगा आपको इसी फॉर्मेट में बनवाना है, ऐसा नहीं कि आप किसी और फॉर्मेट में ले जाइए। देखिए, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। और दूसरी बात, यहाँ पर जो क्राइटेरिया है, यहाँ पे जो भी ये क्राइटेरिया मेंशन है अकॉर्डिंग टू इस सर्टिफिकेट के अनुसार ही होना चाहिए। तो आप इस सर्टिफिकेट को अच्छे से देख लीजिए। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसका प्रिंट निकलवा लीजिएगा। मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगा कि आप इसका प्रिंट कहाँ से और कैसे निकलवा सकते हैं। ठीक है, और इस सर्टिफिकेट में एक और बात का ख्याल रखना है कि यहाँ पर सेंटर लिस्ट मेंशन होना चाहिए, क्योंकि जो आखिरी बार यहाँ पर सीएचएसएल का जो डीवी हुआ था, जिन जिन कैंडिडेट के सर्टिफिकेट में सेंटर लिस्ट मेंशन नहीं था तो उनको प्रोविजनल दिया गया था। तो इस बात का खास ख्याल रखें कि आपके सर्टिफिकेट में सेंटर लिस्ट मेंशन है या नहीं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर और वैलिड ईयर क्या होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर मैं आपके साथ थोड़ा अच्छे से देख लेता हूँ। देखिए, जो आपका जो फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू, देखिए आपका जो वैकेंसी है 2022 में आई है। ठीक है, जबकि फाइनेंशियल जो आपका चेंज होता है वो 31 मार्च को चेंज होता है। फाइनेंशियल ईयर हमारा 31 मार्च को चेंज होता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर जो आपका यहाँ पर होना चाहिए 2020 से 21 के आधार पर। देखिए, यहाँ पर एक साल पीछे के फाइनेंशियल ईयर लिखा जाता है। ठीक है, और जब यहाँ पर वैलिड ईयर होता है वो आपका हो जाएगा 2021 से 22। ठीक है, फिर से मैं आपको यहाँ पर रिपीट कर देना चाहूँगा कि आपका जो वैलिड ईयर होगा वो 2021 से 22 होना चाहिए, और आपका जो फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर होना चाहिए ये आपका 2020 से 21 होना चाहिए। तो अपना सर्टिफिकेट में मैच कर लीजिएगा कि आपका फाइनेंशियल ईयर क्या है और आपका वैलिड ईयर क्या है। देखिए, जो आपका ये सर्टिफिकेट रहेगा जिसका वैलिड ईयर 2021 से 22 है, ये आपका सर्टिफिकेट 31 मार्च तक वैलिड है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर जो होता है 31 मार्च के बाद ही चेंज होता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपके साथ बात करना चाहूँगा कि आप इस सर्टिफिकेट को कहाँ से डाउनलोड करिएगा। तो जो देखिए एसएससी का जो सीएचएसएल का नोटिफिकेशन है, पेज संख्या 53 पर ये सर्टिफिकेट है। आप वहाँ से इसका प्रिंट निकलवा लीजिए और इसी फॉर्मेट पर जाकर बनवा लीजिएगा तो बेटर रहेगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपके मन में कोई डाउट नहीं है। यदि आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइए। यदि आपको वीडियो पसंद आई होगी, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।